हाय दोस्तों, मोरल मंत्रा के YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। शुरू करें उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। हम यहां पर आपके लिए मोटिवेशनल हिंदी कहानियां, हिंदी कोटेशंस, लीडरशिप टिप्स, सेल्स मार्केटिंग टिप्स, डायरेक्ट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग और सक्सेसफुल लोगों की रियल कहानियाँ लाते रहते हैं। और अगर आप यह सारी जानकारियाँ पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट moralmantra.com पर विजिट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं दो रिलेटेड टॉपिक पर। पहला, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और दूसरा, नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत किस तरह से हुई। नेटवर्क मार्केटिंग को नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा डायरेक्ट मार्केटिंग भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको मल्टी लेवल मार्केटिंग मतलब MLM मार्केटिंग भी कहा जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग पुराने मार्केटिंग के तौर तरीकों से हटकर एक डायरेक्ट मार्केटिंग है, जिसमें हम किसी दुकान पर जाकर सामान नहीं खरीदते बल्कि सामान या कोई भी प्रोडक्ट जो किसी MLM कंपनी में है वह हम डायरेक्ट खरीद लेते हैं। इससे हमें दो अपॉर्चुनिटी मिलती है। पहला कि हमने वो सामान खरीद लिया जिसका हमने पैसा पे कर दिया। दूसरा, हमको एक मौका मिलता है कि हम उस कंपनी को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं किसी के भी सामने, जिससे कि कुछ बेनिफिट हमको मिलेगा। मान लो आपने कंपनी ज्वाइन की और आपने कुछ लोगों को कंपनी के बारे में बताया और उन लोगों में से किसी एक आदमी ने या कुछ लोगों ने आपका प्लान समझा और उसे पसंद करके उस कंपनी से MLM कंपनी से प्रोडक्ट को खरीद लिया, तो उसका बेनिफिट आपको मिलता है। और अगर उस आदमी ने जिसने ये प्लान खरीदा है वह भी यह प्लान किसी को बताता है और उसके द्वारा बताए गए लोगों में से भी इस प्लान को कोई अगर खरीदता है, कंपनी से कोई प्रोडक्ट लेता है, तो उसका बेनिफिट उसको भी मिलता है प्लस आपको भी मिलता है। उस तरह उस दूसरे व्यक्ति द्वारा भी जब किसी तीसरे व्यक्ति को इस तरह का प्लान बताया जाता है और उसके बताए गए लोगों में से भी अगर कोई व्यक्ति वो प्लान को परचेस करता है, प्रोडक्ट को परचेस करता है, तो उसका बेनिफिट तीनों लोगों को मिलता है। इस तरह से एक ये नेटवर्क बन जाता है और इस नेटवर्क में जब भी कोई न्यू पर्सन आता है और उस नेटवर्क के नीचे कोई भी प्रोडक्ट परचेस करता है कंपनी से, तो उसका बेनिफिट ऊपर वाले सभी लोगों को मिलता है। यह इस तरह से एक पूरा नेटवर्क बन जाता है और नेटवर्क के आधार पर यह मार्केटिंग होती है। इसी को नेटवर्क मार्केटिंग कहा जाता है। अब बात आती है कि नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत किस तरह से हुई। नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत पश्चिमी देशों से मानी जाती है। नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत के पीछे भी ट्रेडिशनल मार्केट ही है। ट्रेडिशनल मार्केट में नॉर्मली जब कोई मैन्युफैक्चरर किसी प्रोडक्ट को बनाता है तो बनाने के बाद में वह अपना मार्जिन उसमें जोड़ देता है और जोड़ने के बाद में उसको किसी डिस्ट्रीब्यूटर को बेच दिया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है वह अपना खर्चा और मार्जिन उसमें ऐड कर देता है और फिर वह एक मार्केटिंग या मार्केटर को दे दिया जाता है। मार्केटिंग का अपना खर्चा प्लस प्रॉफिट जुड़ने के बाद में वह होलसेलर के पास में प्रोडक्ट पहुंच जाता है। होलसेलर अपना खर्चा और मार्जिन जोड़ने के बाद में उस प्रोडक्ट को पहुंचा देता है रिटेलर के पास, शॉपकीपर के पास, जहां से हम जाकर परचेस करते हैं। अब शॉपकीपर भी अपना मार्जिन उसमें ऐड करता है और अपने खर्चे उसमें ऐड करता है और उसके बाद में कंज्यूमर को मतलब हम तक वो प्रोडक्ट पहुँच जाता है। ये जो शुरू से लेकर आखिरी तक पूरी चेन होती है, इसमें 60-80% तक प्राइस में बढ़ोतरी हो जाती है। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग में एक मैन्युफैक्चरर से नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी एक प्रोडक्ट खरीद लेती है और डायरेक्ट कंज्यूमर को दे देती है, या फिर आजकल कई सारी MLM कंपनियां खुद ही अपना प्रोडक्ट बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है और उसको कस्टमर तक पहुँचाती है या उसके क्लाइंट तक पहुँचा देती है। इससे जो 60-80% तक प्राइस में बढ़ोतरी होना थे वह बढ़ोतरी सीधी नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग हैं उनको उस जो बीच का मार्जिन जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था उनका फ़ायदा नेटवर्क के लोगों को मिलता है। इसी को नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं और इसी तरह से नेटवर्क से पूरी मार्केटिंग की जाती है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट भी करना मत भूलिए। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लें, क्योंकि हम इस तरह के और भी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। एंड फाइनली, थैंक यू फॉर वॉचिंग।